गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर इलेवेन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्रीवियस क्लास में हमने रोडवेज और रेलवेज के बारे में पढ़ लिया था नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट वाटरवेज आज हम लोग वाटरवेज के बारे में पढ़ेंगे द वॉटरवेज़ आर द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड वाटरवेज जो है वो सबसे पुराना साधन है ट्रांसपोर्ट का हमारे वर्ल्ड में इंडियन वाटरवेज आर वेरी एंशेंट और हमारे भारतीय वाटरवेज जो हैं भारतीय इंडियन वाटरवेज जो है वो बहुत पुराना है अवर एनसेस्टर्स हैड मेड ट्रेड रिलेशन्स विद अदर कंट्रीज़ थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट हमारे जो एनसेस्टर्स थे जो पहले के टाइम के लोग थे उन्होंने व्यापारिक संबंध बनाए थे दूसरे देशों से किसके माध्यम से वाटर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर द मेजर इनलैंड वाटरवेज़ ऑफ अवर कंट्री और गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये मेजर इनलैंड वाटरवेज़ हैं हमारे देश के द लगूंस ऑफ केरला आर ऑल्सो यूज फॉर नेविगेशन और जो लेगुन्स हैं केरला के उनका इस्तेमाल भी नेविगेशन के लिए डायरेक्शन के लिए किया जाता है वाटर वेज हैव ऑल्सो सीन अ ग्रेट डेवलपमेंट इन द लास्ट फ्यू डिकेट्स अब जो वाटर वेज में आ, कई सारे डेवलपमेंट एक बड़ा डेवलपमेंट विकास हुआ है पिछले कुछ दशक में मॉडर्न शिप्स है फैसिलिटीज़ विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज एंड आर फाउंड सेफ टू ट्रेवल ओवर द सीज़ आज के टाइम की जो मॉडर्न शिप्स हैं उसमें सारी सुविधाएँ हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज के साथ और ये एकदम सुरक्षित पाई जाती हैं सीज़ के माध्यम से ट्रेवल करने के लिए सी रूट्स कनेक्ट द मेजर पोर्ट्स विद इन द कंट्री एंड ऑल्सो द पोर्ट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज और सी रूट्स जो हैं जो समुद्री रास्ते हैं वो मेजर पोर्ट्स को कनेक्ट करते हैं देश के अंदर भी और जो दूसरे देशों के पोर्ट्स हैं उनसे भी ये कनेक्ट करते हैं दिस हेल्प्स इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ लार्ज कंसाइनमेंट्स और ये जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है बड़े बड़े सामानों का कंसाइनमेंट्स का उसमें मदद करते हैं मतलब एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाना और दूसरी जगह का सामान इस जगह पहुंचाना इसमें ये मदद करते हैं वर्ल्ड ट्रेड हैज़ नाउ बिकम वेरी पॉपुलर एंड असेंशियल और जो पूरे विश्व में व्यापार होता है वर्ल्ड ट्रेड ये अब आज के टाइम पे बहुत प्रसिद्ध हो गया और जरूरी हो गया है। कंटेनर शिप्स एंड ऑयल टैंकर्स कैरी कार्गो वाइल्ड पैसेंजर शिप्स कैरी पीपल टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अब जो कंटेनर शिप्स होती है और जो ऑयल टैंकर्स होते हैं ये सामान को गुड्स को कैरी करते हैं और जो पैसेंजर शिप्स होती हैं ठीक है थीके? वो लोगों को कैरी करते हैं और वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में पहुँचाते हैं पोर्ट्स आर सिटीज विद हार्बर वे शिप्स आर एंकर पोर्ट्स क्या होते हैं पोर्ट्स वो सिटीज़ होती हैं जहाँ पे हार्बर होता है जहाँ पे शिप्स जो हैं वो सामान को लोड करती है और अनलोड करती है जो भी सामान शिप में होता है वो उतारती है और वहाँ से सामान लोड करती है उसे आ, हार्बर कहते हैं पोर्ट सिटीज़ कहते हैं सो द मेजर पोर्ट्स आर कांडला मुंबई मारमागाव मैंगलोर एंड कोची ऑन द वेस्ट कोस्ट एंड टूटी चेन्नई विशाखापट्टनम पैरादीप हल्दिया ऑन द ईस्ट कोस्ट अब कुछ मेजर पोर्ट्स जो हैं वो हैं कांडला मुंबई मरमागांव मैंगलोर कोची ये वेस्ट कोस्ट में है टुटी चेन्नई विशाखापट्टनम परदीप हल्दिया ये ईस्ट कोस्ट में है दीज पोर्ट्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय द पोर्ट ट्रस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और ये जो पोर्ट्स हैं ये किसके द्वारा चलाए जाते हैं किसके द्वारा इसका एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट किया जाता है पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की माइनर पोर्ट्स आर ऑल्सो लोकेटेड एट वेरियस पॉइंट एंड आर गवर्न बाई द स्टेट गवर्नमेंट अब कुछ माइनर पोर्ट्स जो कि माइनर पोर्ट जो छोटे पोर्ट्स होते हैं वो भी स्थित हैं अलग अलग पॉइंट्स पर और ये किसके द्वारा गवर्न किए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा डिफरेंट टाइप ऑफ शिप्स लाइक कार्गो ट्रॉलर्स एंड ओशन लाइनर्स आर बिल्ट इन इंडिया एंड यूज फॉर परपजेस लाइक फिशिंग टूरिज्म एंड फॉर कैरिंग फ्लाइट एंड पैसेंजर्स अलग अलग तरह के शिप्स जो हैं वो हमारे इंडिया में बनाई जाती हैं जैसे कि कार्गो ट्रॉलर्स ओशन लाइनर्स ये अलग अलग तरह की शिप्स होती हैं जो कि हमारे इंडिया में बनाई जाती हैं और ये अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं जैसे कि फ़िशिंग के लिए टूरिज़म के लिए पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए ठीक है सो नेक्स्ट इज एयरवेज़ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एयरवेज दीज डेज मैनी पीपल प्रिफर टू ट्रैवल बाय एयर एज़ इट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट अब एयरवेज क्या है कि आज के समय पे आज के दिनों में ज़्यादातर लोग जो हैं वो एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रैवल करना प्रिफर करते हैं क्यों क्योंकि ये सबसे फास्टेस्ट मोड है ट्रांसपोर्ट का ये सबसे तेज़ी से पहुँचा देता है इंसान को एक जगह से दूसरी जगह सो वी कैन फ्लाई अक्रॉस हाई माउंटेंस वेयर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ले रोड्स और रेलवेज और हम इसके थ्रू एयरवेज के थ्रू ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों से भी पहाड़ों को भी क्रॉस कर सकते हैं वहाँ भी फ्लाई कर सकते हैं ठीक है और ऐसी जगहों पे भी हम एयर एयरवेज़ के थ्रू जा सकते हैं जहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट होता है रोडवेज़ का और रेलवेज़ का होना ठीक है जहाँ पे रोडवेज़ और रेलवेज नहीं हो सकते वहाँ पे एयरवेज चलता है तो हम वहाँ पे ऐसी जगह भी एयरवेज के थ्रू पहुँच सकते हैं मोस्ट ऑफ द नेशंस इन द वर्ल्ड हैव देयर ओन नेशनल एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस अब ज़्यादातर जो राष्ट्र हैं हमारे वर्ल्ड के विश्व के उनके खुद की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस होती हैं इंडिया ऑल्सो हैज़ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस और हमारे इंडिया में भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस हैं ठीक है सो एयर इंडिया इज़ द नेशनल फ्लैग कैरियर ऑफ़ आवर कंट्री हम एयर इंडिया जो है वो नेशनल फ्लैग कैरियर है हमारे देश का विच प्रोवाइड्स बोथ पैसेंजर एंड कार्गो सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि पैसेंजर सर्विसेज और कार्गो सर्विसेज मतलब गुड्स भी पहुँचाती है और पैसेंजर्स को भी पहुँचाती है दोनों तरह की सर्विसेज हमारे पूरे वर्ल्ड में ये प्रोवाइड करती है एयर इंडिया सो देर आर प्राइवेट एयरलाइंस और प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं जैसे कि जेट एयरवेज इंडिगो स्पाइस जेट गो एयर एक्सेट्रा विच ऑल्सो ऑपरेट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह की फ्लाइट uh, के रूप में ऑपरेट करती है प्राइवेट एयरलाइंस देर आर मोर देन ट्वेंटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ देम आर इन डेली मुंबई चेन्नई कोलकाता एंड बेंगलुरु अब ट्वेंटी से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं हवाई अड्डे हैं हमारे भारत में ठीक है और उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट हैं वो कौन कौन से हैं दिल्ली के मुंबई का चेन्नई का कोलकाता का और बेंगलुरु का वी कैन गो टू डिफ़रेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम दीज एयरपोर्ट्स हम इन एयरपोर्ट से मतलब दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता बेंगलुरु इन एयरपोर्ट से हम वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में जा सकते हैं एयरवेज़ help टू रिसीव एंड सेंड गुड्स टू फार ऑफ off विद इन अ शॉर्ट टाइम दे also कैरी मेल्स और एयरवेज जो हैं वो हमें मदद करते हैं कि हम रिसीव कर सकते हैं और या फिर भेज सकते हैं कोई भी सामान को दूर जो जहाँ हम खुद नहीं पहुँच सकते ऐसी दूर दूर जगहों पर सामान को भेज सकते हैं वहाँ से सामान रिसीव कर सकते हैं एक छोटे समय में ठीक है और ये मेल्स भी कैरी करते हैं Okay, students, so I hope you have understood this much. Now we will continue this chapter tomorrow. Thank you.